श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन। पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने न जाने कितना लेकर भाजपा में गए, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जन सेवा नहीं कर रहे हैं। वो कहते भी हैं कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, भाजपा से मतलब नहीं, हमको तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सागर जिले की सुर्खी विधानसभा पहुंचे, जहां वह राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर जमकर हमला बर दिखे, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पुराने भाजपाइयों को लेकर हमदर्दी जताई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 दिन के सागर दौरे पर है। दूसरे दिन उन्होंने जैसी नगर में पत्रकारों से चर्चा की, जहां वह कांग्रेस पाला बदलने वाले मंत्री गोविंद सिंह के साथ भाजपा पर भी जमकर बरसी। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो वह व्यवसाय ज्यादा करती है, जनसेवा कम और स्वयं सेवा ज्यादा करती है, और अच्छे खासे जो कांग्रेसी लोग भाजपा में चाहते हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। उन्होंने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने ना जाने कितने रुपए लेकर भाजपा में चले गए और यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जनसेवा नहीं। और वह कहते भी हैं, हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, हमको भाजपा से मतलब नहीं, यहाँ कोई काम होगा तो उनकी कंपनी ही करेगी, कोई भी ठेका होगा उनकी कंपनी ही करेगी। आगे कहा कि मुझे जैसी नगर में जनसंघ के समय के लोग मिले, जिन्होंने चना खाकर साइकिल पर घूमकर जनसंघ का प्रचार किया। वह अब दुखी हैं कि जिन आदर्शों के लिए उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनसंघ का बल्ला पकड़ा था, वह अब सारे आदर्श चले गए हैं। और जब एक आदर्श बचा है, वसूली, वसूली थाने की हो या तहसील की, चाहे पंचायत की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे गेहूं खरीद की हो, वसूली होनी चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों का मूल्यांकन जनसेवा नहीं रहा, धनसेवा हो गया है, जो ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके विधायक जी और मंत्री जी को देंगे, वही सबसे बेहतरीन अधिकारी कर्मचारी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है सरकार में, तो वो व्यवसाय ज्यादा करती है, जनसेवा कम करती है, स्वयं सेवा ज्यादा करती है, और अच्छे खासे जो कांग्रेस से लोग जाते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अब माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने न जाने कितना लेकर भाजपा में गए, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जन सेवा नहीं कर रहे हैं। वो कहते भी हैं कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं, भाजपा से मतलब नहीं, हमको तो, मुझे कहना नहीं चाहिए जिससे उनको मतलब, आप सब जानते हैं, कोई काम होगा तो उनकी कंपनी करेगी, कोई भी ठेका होगा उनकी कंपनी करेगी। मूल्यांकन उसका हो नहीं सकता, क्वालिटी कंट्रोल हो नहीं सकता, यहां तक कि सरपंच बेचारे जो चुनकर आए हैं वे भी दुखी हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट पैसा जिसको वो चाहते हैं उसके पास पहुंचता है, और उसमें कितना हिस्सा इनका कमीशन होता है वो तो यहां की जनता जानती है और आप भी जानते हैं। अभी गेहूं की तुलाई का मौसम है, मेरी जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, यहां पर जो केंद्र हैं, तीन तीन चार चार दिन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसान खड़ा हुआ है, बारदाने नहीं है, जिसकी वजह से खरीद नहीं हो रही है। मंडी खुले 5-6 साल हो गए, लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था थी, इसकी वजह से यहां कोई खरीद नहीं होती, कोई व्यापारी टिकना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सरकार का टैक्स तो दे तो दे, विधायक जी का टैक्स अलग देना पड़ता है, तो व्यवसाय कैसे करेगा। सुर्खी क्षेत्र में भाजपा के लोग भी दुखी होकर परेशान है। अभी सुबह मुझे कई लोग मिले आकर,
जो यहाँ के स्थापित जनसंघ के जमाने से जिन्होंने चना खाकर साइकिल पर घूमकर जनसंघ का प्रचार किया, वो अब दुखी हैं कि जिन आदर्शों के लिए उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनसंघ का पल्ला पकड़ा था, अब वो सारे आदर्श चले गए और अब एक आदर्श बचा है, वसूली। अब वसूली थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे गेहूं खरीद की हो, वसूली होना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी का मूल्यांकन जनसेवा नहीं रहा है, धन सेवा हो गया है। जो ज़्यादा ज़्यादा धन इकट्ठी करके विधायक जी और मंत्री जी को देंगे, वही सबसे बेहतरीन अधिकारी कर्मचारी है, चाहे जनता लुट रही हो। मोदी को जात होती है क्या? मोदी सरनेम पारसी का भी है, मारवाड़ी का भी है, जैनी का भी है और साधुओं का भी है, ठीक है ना। इनमें से तीन तो ओबीसी है नहीं, चौथा ओबीसी है, लेकिन भगौड़े जितने भी उनमें एक ही ओबीसी नहीं है। नीरव मोदी जैन है, ललित मोदी मारवाड़ी अग्रवाल है, विजय माल्या वो भी ओबीसी नहीं है। तो ये तो अडानी जी के सारे और मोदी जी के संबंधों से ध्यान बांटने के लिए ही ये मानहानि का दावा सामने आया। और अब मानहानि के दावे के बाद जो घटनाक्रम चला उसमें इनकी सदस्यता समाप्त की गई और ओबीसी का मसला सामने आया। इनका ओबीसी से लेना देना कुछ नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लागू जब की गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था कि इसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पिछड़ा वर्ग को। ये इतिहास है। ब्रजेंद्र एकपार, सागर टीवी न्यूज। श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम एंड डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन, सीसीटीवी से सुरक्षित कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है 07000344401, 09479395844।